सो हेलो एवरी वन वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग जहाँ आपको आपके साइंस टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट वेल एक्सप्लेन और एनिमेटेड वीडियोज़ के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को तो आज हम समझेंगे डाल्टन सैटोमिक थ्योरी को तो डाल्टन द्वारा दिए गए पॉस्टुलेट में पहला पॉइंट ये है कि सभी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड पॉइंट ये दिया कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उन सभी का मास आइडेंटिकल यानी सेम होता है और साथ ही इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होते हैं मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एलिमेंट के अलग अलग एटम्स का मास और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगे बल्कि इन सभी एटम्स के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगे फोर्थ पॉइंट ये था कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स का तो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करें तो इनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो ये स्मॉल हॉल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन करते हैं जैसे वाटर के मॉलिक्यूल एच की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कम्बाइंड है यानी एच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के नंबर का रेशियो टू है जो कि एक होल नंबर में है इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल सी में कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ कंबाइंड है जो कि एक स्मॉल होल नंबर में है मतलब किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में एटम्स एक होल नंबर के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे ऐसा नहीं होगा कि एटम का हाफ या वन बाई फोर्थ पार्ट कंबाइन करें और लास्ट पॉइंट ये है कि किसी भी कंपाउंड में काइंड ऑफ एटम्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी कॉन्स्टेंट होते हैं जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे जिनमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम होगा इसी तरह से अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे जिनमें एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के एटम्स होंगे तो ये सिक्स पॉस्टुलेट दिए गए थे डाल्टन द्वारा उनके एटॉमिक थ्योरी में अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को समझते समय यह कहा था कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के दोनों लॉज को डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेनेशन दिया है तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के पहले लॉ यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मासिस को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय तो यही एक्सप्लेनेशन डाल्टन ने अपने सेकेंड पॉस्टुलेट में दिया है कि एटम इंडिविजल पार्टिकल होते हैं जिन्हें किसी भी रिएक्शन में डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता हालांकि इन्होंने एटम के बारे में ये कहा है लेकिन उन्होंने फर्स्ट पॉस्टुलेट में ये भी कहा है कि मैटर एटम से ही मिलकर बने होते हैं तो बेसिकली इन दोनों पॉस्टुलेट को अगर कंबाइन कर दें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करते हैं अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड लॉ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि वैसे कंपाउंड जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं तो इन कंपाउंड्स में इन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन सेम होता है चाहे वह किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया हो जैसे कि वाटर किसी भी सोर्स से लिया गया हो इसके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो वन एस टू एट होता है अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सिक्स्थ पॉस्टुलेट को देखें तो इसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी कंपाउंड में काइंड्स ऑफ एटम्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी कॉन्स्टेंट होता है यानी वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स होते हैं और इनके नंबर का रेशियो टू एस टू वन होता है मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स को बताया गया है कि सभी वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर का रेशियो टू एस टू वन होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में इनके मासेस को बताया गया है कि सभी वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो वन एज टू एट होता है तो यदि नंबर ऑफ एटम्स सभी में कॉन्स्टेंट हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि इनके मासेस का रेशियो भी सभी मॉलिक्यूल्स में कॉन्स्टेंट होगा तो इस प्रकार से ये पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है और हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के दोनों लॉज को डाल्टंस ने अपने एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया है तो आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आया होगा तो इस वीडियो को यहीं माइंड अप करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स